की सरकार है, नियत पे इसकी धिक्कार है। बदलाव यहाँ लाने के लिए अब हो जाओ तैयार। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का। यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुँच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का। रीवा में नामांकन दाखिले के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और जनसंपर्क के जरिए वोट मांगने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने रीवा में अपना वचन पत्र भी जारी किया। रीवा में हर तरफ से चुनावी घमासान की खबरें हैं। हमारे संवाददाता राज पांडे ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने राजविलास होटल में पार्टी के वचन पत्र को जारी किया। यहां मुख्य रूप से रीवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा, सेमरिया से त्रियुगी नारायण शुक्ला, भगत देव तालाब से विद्यावती पटेल, मनगांव से बबीता साकेत तथा तथौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह, रीवा महाराजा व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह मौजूद रहे। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात रखी और उन्हें सुधारने पर जोर दिया। इस दौरान सेमरिया क्षेत्र से वर्तमान विधायक नीलम मिश्रा ने भी भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया। हालांकि उन्होंने किसी भी अन्य पार्टी में सदस्यता लेने से इनकार कर दिया तथा बताया कि वह अब तक बीजेपी में भी हिम्मत करो, आगे बढ़ो, अपने लिए अब तो लड़ो। बीजेपी झूठी सरकार है, नियत पे इसके धिक्कार है। बीजेपी झूठी सरकार है, नियत पे इसके धिक्कार है। बदलाव यहाँ लाने के लिए अब हो जाओ तैयार। एमपी पुकारे दिल से, बदलाव का। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का। यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुंच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का।